ओ यार मेरे देवर ने ना मेरे साथ प्रैंक कर दिया लास्ट में। बहुत महंगा है। बहुत महंगा। तो अपने पति के साथ होली नहीं खेली तो क्या खेली? तो पहले मैंने जबरदस्ती करी। अरे कलर लगा दियो मेरे। तो कैसे हम सभी लोग आपका स्वागत है चंदा तुमर भंडारी पे। तो मैं जा रही हूँ अपने ससुराल पे आज क्योंकि वहाँ पे होली पूजेगी ना। हाँ तो इस वजह से मैं जा रही हूँ। और इस बार खेतों में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। गेहूँ हो रहे हैं ना, अभी गेहूँ हो रहे हैं मेरे ख्याल से। और टमाटर लगे हैं, गेंदे के फूल लगे हैं। दिखाती हूँ चलो आप लोगों को भी, बने रहे मेरे वीडियो के साथ हम सब के साथ। क्या बोल लो? अरे मत करो, ये देखो इतना गंदा बच्चा है ना। तो कुछ इस तरीके से है गांव मेरा जहाँ पे मेरा ससुराल पड़ता है। ये गलियाँ हैं जिस गली से होके मैं जाऊँगी अपने घर तक। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको पूरा गांव दिखाया जाए और घुमाया जाए। आज है होली का पूजन, तो मुझे होली का पूजने जाना था। पिछले बार मैं नहीं पूज पाई थी क्योंकि उस टाइम पर मानविक हुआ था, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। 5 मार्च को मानविक हुआ था, उसके बाद होलियाँ स्टार्ट हो गई थी तो मैं होली नहीं खेलती। ठीक, घर के सामने शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर है, जैसे हमारा गेट खुलता है भोलेनाथ का मंदिर है। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं अपने घर पे। थोड़े आगे पे मेरा घर है तो मैं वीडियो कंटिन्यू रखूंगी। आज मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपको कैसे कैसे यहां पे पूजी जाती है। मेरे लिए भी पहले ही है और आप लोगों को भी मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पे जैसे पहुँची मानवी अपने दादा के साथ खेल रहा था और बूढ़ी सास यहाँ पे बैठी हुई है और मेरी सास यहाँ पे मंदिर में जो जो सामग्री चाहिए पूजन के लिए वो चीज़ें निकाल रही हैं। घर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, पर जो होली पूजेगी वो नए घर से ही पूजेगी, तो इसलिए नए घर से ही होली पूजन कर रहे हैं। तो हम चले गए होली पूजने के लिए। वैसे मैं लेट हो गई थी क्योंकि मानविक की वजह से। चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसे कैसे यहाँ पे रीति रिवाज हैं और कैसे होली पूजती है। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ हम सब के साथ। तो मैंने सोचा आज मैं पूरी वीडियो बनाऊं, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ, कहाँ पे मेरा घर है और पूरा गांव मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो कुछ इस तरीके से मेरा पूरा गांव है। हम चले गए हैं कहाँ को, होली पूजन के लिए। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे, बहुत भीड़ थी। अभी तो कम भीड़ है, अब उतने कोई है नहीं क्योंकि मैं लेट हुई थी, बता रही थी जैसा कि मैं। अब यहाँ पे फटाफट से होली पूजन करते हैं। इस बार जो बोल रहे हैं कि ये झोड़ का पानी है काफ़ी ऊपर तक आया हुआ है, वरना यहाँ पे बहुत अच्छा बनाते हैं, तो इस बार ऐसा ही हो गया। और मेरे पैर इतने गंदे हो गए थे ना, इतने ऊपर तक पानी था। जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे पूरा पानी पानी है। जैसे जैसे मुझे बताते उस तरीके से मैं कर रही थी। यहाँ पर आटा चावल टीका जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को हम होलिका माई में चढ़ा रहे हैं। पूजा खत्म होने के बाद हमने सबके पैर छुए, मतलब मैंने जो भी मेरे से बड़े थे मैंने उन सबके यहाँ पे पैर छुए। और उसके बाद और आगे की जो परिक्रमा होगी अभी गंगा जल को लेकर पूरी परिक्रमा होगी यहाँ पे। तो सबने मुझे यहाँ पे अपना आशीर्वाद दिया और मैंने सबके पैर छू के आशीर्वाद लिए। बट मैं अपने सास का पैर छूना भूल गई थी तो मैं दोबारा गई, फिर मैंने अपने सास के भी पैर छुए। अभी पहली बार है तो मेरी पहली थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या क्या करना है। मुझे जैसा जैसा बता रहे थे वैसा मैं कर रही थी। यहाँ पे कोई बुढ़ी अम्मा थी जो मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे करनी है। जो ऊपर आंटी है वो बोली थी कि उसकी पहली की होली है तो बताना तो पड़ेगा ही, तो कोई पेड़ से सीख के तो आता नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे
बताया जा रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे जो मैं साड़ी लेके आई हूँ होलिका माँ के लिए वो चढ़ाऊंगी। चढ़ाने के बाद यहाँ पे एक पंडित होती है जो उसे दे दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरी ससुर जी और सास बना रहे हैं मिलकर खाना। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मम्मी जी की। उसके बाद यहाँ पे विकास भी नारियल को कद्दूकस कर रहे हैं। देखो दोस्तों मैं बना रही हूँ भुजिया, जिसे खाना है वो मेरे चैनल को पहले लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अब नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो देखिए मैं भुजिया में क्या क्या मिला रही हूँ। बोरा मिला रही हूँ, नारियल मिलाया है, और क्या नारियल गोला है, मावा है, गोला है, और ये क्या बादाम है, चिरौंजी है, ये क्या हरी इलायची है, चिरौंजी, चिरौंजी जो पता है आपको, ये मतलब बहुत महंगा है, बहुत महंगा। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर ये खाना है तो तुम्हें, तो सोच लो तब तो तुम्हें मेरे से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो तुम्हें खाने को मिलेगा। तो देख सकते हो कितना बना रही हूँ, जितने की तो मैं मेरे दोस्त हैं मैं सबके लिए भेजूंगी। और मेरा लड़का देखो कैसा हरकतें करने में है, यहाँ के बैठ नहीं रहा नीचे। यहाँ पे गुजिया बनके रेडी हो चुकी हैं, बस इन्हें थोड़ी देर हम ऐसे ही सुखा लेंगे, उसके बाद हम गुजिया बनाएंगे, क्योंकि इस पे ना ज़्यादा तेल नहीं लगता है जब हम ऐसे सुखाने को रख देते हैं। तो मैंने बारीक तरीके से सारी गुजियाओं को बराबर तरीके से सुखाने को रख ली हैं। अगर ये थोड़ा बहुत भी 10-15 मिनट जो भी हैं उसके बाद हम गुजियाओं को तल लेंगे तेल पर। तो यहाँ पर देख सकते हो गुजिया बन के रेडी हो चुकी हैं, काफ़ी टेस्टी हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रही हैं। यहाँ पे मैंने बनाए अपनी बुढ़ी सास के बाल, काफ़ी ज़्यादा बीमार भी रही हैं बुढ़ी सास, और इनकी एज करीबन 100 साल पहुँच चुकी हैं। तो यहाँ पे खूब सारा आशीर्वाद देती हैं अम्मा, और आशीर्वाद बुज़ुर्गों का लेना भी चाहिए। और वहाँ पे मानविक और मेरे ससुर जी सोए हुए हैं। मेरी बूढ़ी सास जो बीमार भी हैं और काफ़ी ज़्यादा, और बहुत अच्छी हैं। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं घर पे, और देखो यार मेरे देवर ने ना मेरे साथ प्रैंक कर दिया, लास्ट में होली खेल दी, मुझे पता ही नहीं चला, पीछे से कलर डाल दिया करके। और मैं पहुंच चुकी हूँ घर अपने ससुराल से, और ये भी बंदर जैसा हो रहा है, इसकी भी पहली होली है। और देख सकते हो आप लोग मैं कैसे पूरी साड़ी मेरी कैसी हो गई है, फटाफट नहाती धोती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो अपने पति के साथ होली नहीं खेली तो क्या खेली, तो पहले मैंने जबरदस्ती करी, अभी मैं कुछ ऐसे कर रही हूँ, ये लो चिची। प्लीज
पिछले बार तो नहीं खेल पाई थी क्योंकि पिछले बार ना मेरा बेबी हुआ था उस टाइम पे, मेरे को कौन सा दिन था जब हुआ था, दूसरा तीसरा दिन था हाँ, तो होली स्टार्ट हो गई थी तो मैं नहीं खेल पाई थी इनके साथ। तुमने तब भी लगाया था कलर? नहीं लगाया ना, थोड़ा कलर लगाया था पर मैं नहीं लगा पाई थी, तो तभी आज मैंने पूरा अच्छा कलर। तो गली पे ही होलिका को आज जलाएंगे, मतलब दहन करेंगे, होलिका दहन होगा आज। तो यहाँ पे विकास ने भरी सबके सामने मेरी मांग, क्योंकि मैं नहा के आई थी तो मैं मांग भरना भूल गई थी। यहाँ पे से बच्चों के हाथ से कलर लिया और विकास ने मेरी मांग में भर दिया। तो यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होने को है, पूजा पाठ चल रही है, शंख में शंख बज रहे हैं और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सेल्फी ले लेना बार बार उधर से जाके, क्या फायदा। और एक्चुअली में यहाँ तो लाइट तो गली गली में पुलिस लगी हुई थी। पुलिस इसलिए लगी थी ताकि कोई 11 बजे से पहले होली का दहन ना कर दे। सुबह 11 बजे लगेगी। अपना वाला है।